अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे अफेक्ट करते हैं। उनमें फर्स्ट वन है टेम्परेचर, सेकंड वन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव, एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू द एनवायरमेंट इन विच दे वर्क। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ द एंजाइम, ऐसा कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की शेप शेप और उसकी केमिस्ट्री को अफेक्ट करेगा या उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, तो वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन अफेक्टिंग द रेट ऑफ एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है टाइम 20, 30, 40, 50 एंड 60। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा स्पीड अप होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो एंजाइम का जो काम करना है वो भी ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एवरी एंजाइम वर्क एट इट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तमाम एंजाइम जो हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। अगर टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया जाए या उससे कम कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अफेक्ट आएगा? तो अफेक्ट ये आएगा व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट हीट एंड इन द एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी एनर्जी में जो है ना उसकी वाइब्रेशन में इजाफा होगा, तो जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी और उससे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है रिएक्शन की वो ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, तो रिएक्शन जो है वो भी स्पीड अप हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा हो गया, बट वन टेम्परेचर इज रेस्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो बजाय इसलिए कि रिएक्शन फास्ट होगा बल्कि उससे क्या होगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसकी जो भी शेप है वो लॉस्ट हो सकती है। तो अगर टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा हो गया तो उस दौरान जब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का लॉस्ट हो गया तो उसे कहा जाता है डी नेचर होना। तो एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है एंजाइम डी नेचुरेशन। इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यहाँ पर इंक्रीज हुआ जैसे ही टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा हुआ तो वो डी नेचर हुए और उसका जो एक्शन था, उसका जो रिजल्ट था वो क्या होगा, इट रिजल्ट इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली, और ये ब्लॉक हो जाएगा, फर्दर ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इससे क्या आपको पता चला कि अगर टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा किया तो एंजाइम के लिए ठीक नहीं है, एक हद से कम कर दे तो भी एंजाइम के लिए ठीक नहीं है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करना था। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37, तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम रेट के साथ वर्क करते हैं, ना ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेंगे और ना ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो ये था आपके पास फैक्टर, पहला टेम्परेचर, नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।